कोई मैसेज, कॉल, वार्निंग सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। स्मार्टफोन की बैटरी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जो साइंस है वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो, इस बाइक के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, स्प्लेंडर एक्सटिक मॉडल है। आज हम इसका डिटेल रिव्यू करके जानने वाले हैं कि क्या क्या अपग्रेडेशन चलने वाली है और क्या आपको इसे परचेस करना चाहिए अबाउट दैट रेंज, और बहुत सारे मिनिमल से अपडेट्स यहाँ पे हीरो ने इसमें कर दिए, तो वो सारी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आज हम आए यहाँ पे एनजे ऑटो सायन पे, तो उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट गवाए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग सबसे पहले हम बात कर ले इस बाइक के लुक की। तो यार एक ऐसी गाड़ी जिसमें जहाँ पे भी कहीं पे भी आप कोई भी टाइप का मॉडिफिकेशन करवा दीजिए, ये हर एक मॉडिफिकेशन को सूटेबल रहेगी। और अगर आप इसे ऐसे ही रखोगे तो भी ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लुक आपको प्रोवाइड करवाती है। बाय द वे स्प्लेंडर प्लस का एक्सटिक मॉडल है जहाँ पे आपको सारी ही नई फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है। ये ब्लैक एंड ब्लू शेडिंग वाले कलर शेडिंग में आप इसका कलर चार्ट देख सकते हो। ऊपर बाइक काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस एंड काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है। आप सभी को पता है हर एक बंदे ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो इस बाइक को राइड किया ही किया होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट गवाए आज की वीडियो डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें इसके फ्रंट एंड वाइजर पे, तो जो ये यहाँ पे ये ब्लू स्टिकरिंग दी गई, ये कोई कलर नहीं है, बस सिर्फ स्टिकरिंग हर एक जगह पे यहाँ पे ब्लैक कलर पे प्रोवाइड कर दिए। इसमें आपको काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन मिलती है, यहाँ पे अगर आप रेड कलर वाले लेना चाहें तो भी अवेलेबल रहते हैं, और बाकी बहुत सारे डिफरेंस कलर शेड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रंट एंड शेप से, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलते, लेकिन हाँ एक सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे आपको एक DRL प्रोवाइड कर दी जाती है, जो कि अभी इस टाइम पे तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सनलाइट हो रखी है यहाँ पे। उसके बाजू में आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस की जो बेजिंग है वो देखने को मिल जाती है। नीचे लाइटिंग सेक्शन की तरफ चले, कोई भी चेंजेस नहीं है, जीरो अबाउट जीरो चेंजेस यहाँ पे। स्टिल आपको वही हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है, जिसका अगर हम थ्रो की बात करें तो वो आप सभी को पता है कि रेगुलर सा थ्रो देखने को मिल जाता है, इतना कम भी नहीं है और उतना ज़्यादा इफेक्टिव भी थ्रो नहीं देखने को मिलता। बट इसकी जो लाइट है अकॉर्डिंग टू दिस बाइक वो काफ़ी ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस करती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्रंट में आपको सस्पेंशन सेटअप जो मिलता है, राइड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो स्प्लेंडर अगर आप सिटी में चलाओगे या तो कभी कभार हाईवे पर भी लेके जाओगे तो राइड क्वालिटी में इसके बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन राइड क्वालिटी ये बाइक प्रोवाइड करवाती है। फ्रंट और रियर सस्पेंशन सेटअप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, हर एक तरीके के रास्तों पे ये आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देने वाली है, ये मैं अपनी गारंटी आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो यहाँ पे आपको अगर हम ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो फ्रंट और रियर दोनों में CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दी जाती है, यानी कि अगर आप कोई भी एक ब्रेक भी अप्लाई करोगे तो उसका 50% पीछे वाले में या तो फिर 50% आगे वाले में, दोनों में ही अप्लाई होगा, जिससे कि बाइक जो टायर लॉक होकर स्किड होने की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और अगर हम बात करें आगे की तरफ तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट में इसमें आपको 18/100 स्पीड रेशियो का ट्रेंस का टायर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको C8 का टायर मिलता है, C8 की टायर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है और ग्रिपिंग भी इसमें काफ़ी ज़्यादा डीप है, जिससे कि आपको लंबे टाइम तक टायर बदलवाने की ज़रूरत नहीं रहने वाली है। यहाँ पे फ्रंट में जो फाइबर वाइजर आता है उसके दोनों ही तरफ आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे, साथ ही में इसके इंडिकेटर्स की भी अगर हम बात करें तो वो स्टील आपको ये बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ हैलोजन बल्ब में ही देखने को मिलते हैं। और एक बात सिंपल सी यार, 100cc बाइक है, लॉट मोर एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रख सकते हम इसके साथ, बट जितना भी इसमें अभी कंपनी प्रोवाइड करवा रही है वो टॉप नॉच है। अकॉर्डिंग टू दिस सेगमेंट ये बाइक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बाइक रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पावर स्टार्ट की बेजिंग मिल जाती है, इसके अंदर आप सभी को पता है ये ग्लोव बॉक्स है, इसके पीछे आपके थोड़े बहुत टूल्स रह जाते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम रेफाई यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का जो बेजिंग है वो आपको देखने को मिल जाता है। नीचे अगर हम चले तो इसके 100cc की पावर एंड टॉर्क फिगर आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हो, और पढ़ने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये एक टेस्टेड गाड़ी है, काफ़ी सालों से इंडियन रोड्स पे ये राज कर रही है, यानी कि अगर हम बात भी करें ना तो वर्ल्ड की मोस्ट सेलिंग बाइक्स में से ये गाड़ी एक है। नीचे आप अगर ब्रेक पैडल पे देखोगे छोटा सा चेंज है, मैं आपको दिखा दूँ, ये जो पीछे वाले ग्रिल हैं वो इंजिन पे अगर कहीं बार होता है ना लॉन्ग राइड पे जाए तो पाँव यहाँ पे अगर चिपक जाए तो
जूते चप्पल यहाँ पे चिपक जाते हैं। तो ये एक छोटी सी ग्रिल यहाँ पे हीरो ने ऐड की है जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी वाइज इंक्रीमेंट कर देती है। यहाँ पे आपको किक स्टार्ट भी देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें साइड एंड पोस्चर की तो साइड से कुछ इस तरीके की लगती है। भाई तो मेरे को भी पता नहीं मैं आपको लुक क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस बाइक के बारे में हर एक बंदा जानता ही जानता है। शायद से 80% लोगों की फर्स्ट बाइक्स में से एक रहती है हीरो स्प्लेंडर प्लस। तो यहाँ पे आपको स्प्लेंडर प्लस की बेजिंग मिल जाती है, नीचे एक्सटेक। अभी एक्सटेक क्या है वो हम आगे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पे जाके बात करेंगे, तब मैं वहाँ पे आपको दिखा दूंगा। अगर हम बात करें यहाँ पे टैंक की, तो फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी वो आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। टैंक पे भी आपको ब्लू स्टिकरिंग मिल जाती है और हीरो की 3D बेजिंग भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आगे अगर हम बात करें इसके रियर सस्पेंशन सेटअप की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें कोई देखने की ज़रूरत है ही नहीं। हर एक तरीके के रोड पे काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड एंड कन्वीनियंट सस्पेंशन आपको प्रोवाइड करवाने वाली है। और यहाँ से इसमें आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप मिलता है, यानी कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसे एडजस्ट भी कर सकते हो। रियर में भी आपको सेम फ्रंट वाला ही 18x100 एक्सपेक्टेशन का 18 इंच का टायर देखने को मिल जाता है। और यहाँ ऊपर की तरफ एक i3s की बेजिंग भी देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें रियर की, तो आप सभी को पता है कि ये कम्यूटर बाइक है, तो यहाँ पे कहीं सारे लोग जो अपना कुछ वर्कलोड होता है वो पीछे लेके जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे स्टील का जो है गार्ड वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि आप यहाँ पे कोई भी सामान भी कैरी कर सकते हो, कोई भी लोड आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो। और उसे हैंगिंग करना भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। रियर में भी आपको यहाँ पे हीरो की बेजिंग मिल जाएगी, नीचे वहीं आपको पुराना हेलोजन लाइट मिल जाएगा रेड कलर का, और एक रिफ्लेक्टर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और यहाँ पे भी रियर में और फ्रंट में चारों के चारों इंडिकेटर्स आपको बल्ब में ही स्टील देखने को मिलने वाला है। और अगर हम बात करें आगे की तरफ, तो यहाँ पे भी वही सेम सा ही मामला रहने वाला है। पैसेंजर फुटरेस्ट मिल जाता है, ड्राइवर फुटरेस्ट मिल जाता है, और ये रहा आपका गियर सिस्टम। यहाँ पे आपको 4 गियर सिस्टम देखने को मिल जाता है। ये रहा आपका जो 100cc का एक लॉन्ग रिलायबल और दमदार इंजन होता है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ इसके राइडिंग पोस्चर की तरफ। तो जैसे आप बाइक पे बैठोगे ना, पहले के मुकाबले यार इसका एक एक्सपीरियंस अलग हो चुका है। सिर्फ इतने चेंज से ही इसका पूरा एक्सपीरियंस अलग हो चुका है। तो बाइक मेरी हाइट 5'11" की है, आप देख सकते हो इजीली मेन स्टैंड पे खड़े, फिर भी मेरे पांव नीचे इजीली टच कर रहे हैं। यानी कि सिटिंग कन्वीनियंस आपको सिटी राइडिंग के हिसाब से, या तो फिर कभी कभार हाईवे पे भी लेके जाना हो, तो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके का आपको राइडिंग पोस्चर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात की है ORVMs की, तो वो भी आपको डिसेंट से साइज में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। हैंडल ग्रिपिंग्स भी आप अगर मेरे जितने हाथ हो गए, तो काफ़ी इजीली यहाँ पे क्लच वगैरह सारी चीज़ें काफ़ी इजीली रिच रहती हैं। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये रहा आपका पैसिंग लाइट, यहाँ से आप इंडिकेटर ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से हॉर्न बजा सकते हो। ये रहा i3s यानी कि आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है कि जब भी आप अगर ट्रैफिक में रुकोगे, तो ये सिस्टम अगर ऑन होगा तो 7 सेकंड्स के अंडर आपकी बाइक ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाएगी। फिर जैसे ही ट्रैफिक रिलीज होता है, आप क्लच प्रेस करने पर, सिर्फ आपको सेल्फ देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्लच प्रेस करने पर ही आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इससे आपके पेट्रोल की भी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। नीचे की तरफ आपको सेल्फ स्टार्ट बटन मिल जाता है। और हाँ, बाय द वे, ये बाइक आइडल कंडीशन में राइड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अब एक छोटा सा और एक चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे भी आप अपना स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हो। लगा दीजिए यहाँ पे एक फ़ोन स्टैंड, वहाँ पे केबल, अपना स्मार्टफोन चार्ज होता रहेगा। अब हम बात कर ले इसके कंसोल की, तो जैसे आप इसे स्टार्ट करते हो ना, बहुत सारे अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। देखिए भाई लोग, ये डिजिटल है इसीलिए इतना जो ये ब्लिंक हो रहा है ना, वो होता ही रहेगा। तो जैसे ही आप इसे स्टार्ट करते हो ना, तो यहाँ पे लिखा आएगा हेलो माय हीरो। देखिए अब यहाँ आएगा हेलो माय हीरो, क्या आ रहा है बाद में, बस सिर्फ इतना ही आ रहा है। तो ये रहा आपका स्पीडोमीटर, यहाँ पे है आपकी फ्यूल लो फ्यूल वार्निंग लाइट। और मैं फिर से एक बार स्टार्ट करके दिखा दूँ, ये आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अगर आपको कोई भी मैसेज आएगा, कॉल आएगा, इसकी एप्लीकेशन जो होती है वो मैंने आपको नीचे दी हुई है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको जस्ट अ मिनट, हाँ, कोई मैसेज, कॉल, वार्निंग सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। स्मार्टफोन की बैटरी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जो साइंस है, वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप इसका मोड चेंज कर सकते हो, ट्रिप ए, ट्रिप बी, या तो फिर ट्रिप
जीरो भी यहाँ से ही आप कर सकते हो। और अगर अदर फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे साइड स्टैंड वार्निंग लाइट भी है। जैसे ही मैं अपना साइड स्टैंड लगा दूंगा, देखिए वार्निंग लाइट ऑन हो चुकी है। सेफ्टी के हिसाब से काफी अच्छा सिस्टम है। बाद इसकी एग्जिट साइड टू साइड आपको इंडिकेटर्स की लाइट मिल जाती है। नीचे अगर आप देखोगे तो आपको जो पैसिंग लाइट है उसका स्विच मिल जाएगा। यहाँ पे इंजन वार्निंग लाइट है। नीचे की तरफ आपको I3S ऑन ऑफ की जो स्विच है वो देखने को मिल जाती है। एग्जिट नीचे यहाँ पे आपकी गियर शिफ्ट इंडिकेटर की स्विच है और यहाँ पे लो फ्यूल वार्निंग आपको देखने को मिल जाती है। तो अब अगर हम स्प्लेंडर के बारे में ही बात कर रहे हैं तो ब्रेकिंग हो गई, क्लच सिस्टम हो गया, लुक हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस बाइक प्राइस और दिस बाइक सेगमेंट वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। रफ एंड टफ बाइक है, लॉन्ग टाइम 8 साल 10 साल तक भी अगर आप इसे चलाओगे ना तो फिर भी आपको स्टिल सेम सा ही परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाली है। यानी कि बाइक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सिस्टम आपको प्रोवाइड करवा दिया है अकॉर्डिंग टू प्राइस रेंज। ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही था मेरे को पास इतने इस बाइक के बारे में बताने के लिए, क्योंकि जितना बोलोगे उतना कम है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस लिया जाता है। इसके बारे में जानने से ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस लिया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे रहते हो सूरत के आसपास तो मैं शोरूम की लोकेशन भी आपको दे दूंगा। यहाँ पे आप टेस्ट राइड भी इस बाइक की ले सकते हो और सीटिंग भी आपको सिंगल चैनल सीटिंग ही मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पहले के मुकाबले कुछ नहीं हो चुके। और सीटिंग पे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो रेड स्टिचेस दी जाती है जो कि इस बाइक के लुक को थोड़ा सा इन्हेंस कर देती है। और एक चीज़ हम मिस आउट कर चुके हैं, इसका काफ़ी सारी बाइक्स में मैंने देखा है ना भाई, ये चेन स्मोकर है ना, इसे बाइक की माइलेज इंक्रीज करने के लिए, पिकअप इंक्रीज करने के लिए इसे फाइबर का कर दिया जाता है। लेकिन स्टील स्प्लेंडर में ये बिल्ड क्वालिटी मेंटेन करते हो, यहाँ पे आपको मेटल का ही प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। थैंक्स यू दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस बाइक की प्राइसिंग वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट कर सकते हो। बाइक के बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे व्यूअर्स में से 98% लोगों ने कभी ना कभी एक बार तो इस बाइक को चलाई होगा, चाहे वो पुराना मॉडल हो या तो फिर नया मॉडल हो। हर एक तरीके से बेहतरीन एक्सपीरियंस और लॉन्ग टाइम रिलायबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल टू द एंड, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूले।